नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले 420 को पुलिस ने नोएडा में धर दबोचा। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी सदर अंकिता सिंह व प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में रोहनिया पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने नोएडा में दबिश देकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले शुक्ला को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल किया। इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित कुमार। कुछ ग्रुप द्वारा e-gramdigital.co.in नाम का एक वेबसाइट बना के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते हुए उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे थे और उनसे पैसे भी जमा करवाए जा रहे थे, ताकि उनको नौकरी इत्यादि के नाम पर धोखाधड़ी हो रही थी। और इस संबंध में बनारस जनपद में रोहनिया थाने पे 415/18 एक मुकदमा दर्ज भी है, अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज था। उसके बाद इसमें तलाश की जा रही थी, एसटीएफ की टीम भी प्रदेश स्तर पर लगी हुई थी। इस संबंध में नोएडा में भी एक मुकदमा दर्ज है तथा मध्य प्रदेश में भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। और इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम सुधांशु शुक्ला है, जिसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, परंतु क्योंकि ये मामला हमारे यहाँ बनारस का है तो यहाँ से इसे गिरफ्तारी करा दिखाते हुए यहाँ से जेल भेजा जा रहा है। लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों से प्रलोभन देते हुए नौकरी देने तथा लोन इत्यादि या सस्ते में लोन देने, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना से जोड़ने इत्यादि के नाम पर 3,000 से लेकर 7,000 तक रुपए वसूले जा रहे थे। इस संबंध में एसटीएफ तथा रोहनिया थाना द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया। जनता से भी ये हमारी अपील है कि इस तरह का जब भी कोई मामला आता है, जहाँ कहीं भी ऐसे पैसे जमा कराने या फॉर्म भरवाने की बात आती है, तो ज़रूर संबंधित विभाग से संपर्क करें और उनसे सही जानकारी लेने के बाद ही किसी वेबसाइट पर अपना पैसा इत्यादि जमा करें, जब तक उसकी सत्यता का पता नहीं चलेगा। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रोहनिया श्री प्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक जनार्दन यादव, कांस्टेबल उदय कुमार तथा एसटीएफ लखनऊ के कांस्टेबल मिथिलेश कुमार झा, विजय वर्मा, गौरव सिंह रहे। वाराणसी के नगर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अंधा पुल के समीप ओवर ब्रिज के नीचे थाना प्रभारी चेतगंज अजीत कुमार मिश्र, उप निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव कुमार सिंह, अर्जुन सिंह एवं कांस्टेबल आलोक कुमार को मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेरेबंदी करके दिलीप कुमार मौर्य रोहनिया, मनोज कुमार पटेल भिखारीपुर, मोहम्मद सुहेल ककरमत्ता, तीनों को चोरी की पैशन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर में रहने वाली युवती मंजू उर्फ मंजर को मिर्जापुर ले जाकर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की। देखिए क्या है पूरा मामला। एक महिला जिसकी शादी हुई थी कहीं और, वो अपनी वहाँ पर शादी से असंतुष्ट थी, मायके आ गई थी। इसी परिस्थितियों का ट्यूशन का लाभ उठाते हुए ये दीपू नाम का व्यक्ति है, वो उससे संपर्क में आता है, फिर इन दोनों में कुछ दिन बाद प्रेम हो जाता है। ये दीपू उसको लेकर के जाके नेवादा में लंका क्षेत्र में आता है, एक मकान किराए का लेकर के वहाँ पर 4 महीने से अधिक समय तक साथ रहा। जब ये महिला ने उसे शादी वादी करने की प्रस्ताव रखा और इस बात के लिए दबाव बनाना चाहा, तो ये अपने 2 मित्रों के साथ, एक राजू है एक मनोज, इसके हत्या की प्लानिंग रच डाली। और फिर यहाँ से लेकर के ये होल्डिंग मिलाते हैं सर, जिसमें उसमें मादक पदार्थ मिलाते हैं, वो नशे में हो जाती है। और ले आके मिर्जापुर के चीन थाना में उर्जागीरपुर गांव है, जगह है, रोड का एक सुनसान जगह है, वहाँ पे उसको हत्या कर देते हैं, गला काट करके, और वहाँ बालू का बड़े हुए ढेर में उसको दबा देते हैं। 19 फरवरी 2011 को वो डेड बॉडी वहाँ बरामद की होती है, जैसा कि गांव वालों से जानकारी करने के लिए पुलिस भी आई थी और वहाँ इसका पोस्टमार्टम भी हुआ पंचायत नामा भर करके डेड बॉडी का। लेकिन अभी तक जो जानकारी की गई है, वहाँ पे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उसमें। जब हमारे एक इंस्पेक्टर नाटी मिली, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से शेयर किया इस बातों को, तो लगी पूरी टीम लगी इसमें और पूरा इसमें सभी यहाँ से जा करके मिर्जापुर तक, वहाँ के मोर्चरी से पीएम हावर तक जा करके पीएम की रिपोर्ट प्राप्त की। आरंभिक सूचना वो थी कि मोटरसाइकिल आ रही है, चोरी की है। उस आरंभिक सूचना पर जब इन्होंने उससे पूछताछ किया लोगों से, तो मालूम चला कि ये तलाश में जिनकी थी ये वही लड़के हैं। इस घटना में शामिल तीनों अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं,
लिए जेल भेजा जा रहा है। इसमें दीपू जो था वो पहले से भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। क्राउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।